सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है बुधवार, तो आज जा रहे हैं हम बद्रीनाथ की राइड पे। तो अभी मैंने गाड़ियाँ बाहर निकाल ली और देखिए तैयार हो गए हैं, जैकेट जुकेट पहनेंगे और चलते हैं और सीधा दिखाएंगे आपको आज बद्रीनाथ का रूट। और बद्रीनाथ में मैंने सुना है बर्फ़ भी पड़ रखी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए सीधा चलते हैं अब जल्दी बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देख सकते हैं गाड़ियाँ गुड़ियाँ पूरी रेडी है, कपड़ा कुपड़ा मार के वहाँ रखा है हमारा हेलमेट, उस पर भी हम गोप्रो वगैरह लगाएंगे और उसके बाद अब चलते हैं फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ। और बाकी मेरे दो दोस्त भी आ रहे हैं, एक ही रहा है और एक और है। तो अभी दो गाड़ियाँ जा रही है, एक RS और एक R15। तो R15 बाहर खड़ी है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे और मिलते हैं आपसे सीधा रोड पे। तो गाइज अभी हम आ गए हैं श्रीनगर वाली रोड पर और अभी हम आगे जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। और इधर एक खड़ी गाड़ी एक गाड़ी है और एक गाड़ी उधर खड़ी है, तो चलिए मैं आपको इधर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइज एक गाड़ी है खड़ी है, उस पर बैग, और ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, कितने सारे बैग ले जा रहे हैं, चार जने और बैग इतने सारे। एक बैग ये रहा, एक बैग वो टांग रखा है, एक वो रहा और एक उसने टांग रखा है, तो काफ़ी बैग है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हमने गाड़ी की टंकी फुल करा ली थी और अभी दिखा देता हूँ आपको। तो हम ज़्यादा लीन नहीं कर रहे हैं देखिए, और एक ये भाई है ये भी जा रहा है और बाकी दो और हैं, ये दोनों भी जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो गाइस आ गए हैं हम अभी देवप्रयाग वाले रास्ते पे, यहाँ से देवप्रयाग रह गया मुश्किल से 9 किलोमीटर। तो अभी काफ़ी थकान हो गई थी तो थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हैं और अभी आगे चलते हैं। आपको अभी शिव मूर्ति भी दिखाई थी, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, देवप्रयाग में आपको दो नदियों का संगम भी दिखाएंगे जिसमें दो नदियाँ मिलके गंगा बनती है। तो चलिए सीधा आपसे मिलते हैं देवप्रयाग। तो गाइस देख सकते हैं अपने मनोरंजन का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, ये स्पीकर है इसे चार्ज पे लगा के और गाने सुनते हुए जाएंगे। और ये रहा हमारा मोबाइल चार्जर, इस केस में यहाँ पर हम केबल लगाएंगे और इसको चार्ज करेंगे और फिर गाने सुनते हुए जाएंगे। और यहाँ पर लौंडे पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और बाकी देख सकते हैं हम कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं, एक बैग एरा, एक येरा, एक येरा, एक येरा। और ये देखिए इसमें कीचड़ कितना आ गया क्योंकि इसमें टेल्ट आईडी लगी हुई है और हमने अपनी गाड़ी का मरगाड़ी इसीलिए नहीं हटाया था। तो चलिए अब सीखा, ये चार्ज नहीं है तो इसे अभी चार्ज पर लगा रखा है। और अभी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग, मतलब देवप्रयाग यहाँ से अभी 9 किलोमीटर होगा। और अभी चलते हैं थोड़ा और आगे, अब देखते हैं। अभी मैंने कुछ सेटिंग शूटिंग करी थी तो उस वजह से GoPro में थोड़ी बहुत वॉइस तो रिकॉर्ड हुई है, पर अभी भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, अगर होती है ठीक है, नहीं होती तो। तो गाइस आ गए हम देवप्रयाग, देख सकते हैं एक नदी येरी और एक नदी येरी, मैं उधर की साइड जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पता नहीं इसमें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, एक नदी येरी एक येरी और ये दोनों मिलके नीचे गंगा बनती है। अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदी मिलके गंगा बनती है, ये जा रही यहाँ से गंगा, बाकी येरी दो नदी। और बताया जाता है यहाँ पे स्नान करना बहुत पवित्र होता है, तो देखते हैं आते समय हम यहाँ पर नहाएंगे कि नहीं, देखते हैं स्नान वगैरह का देखेंगे थोड़ा। पहले अभी हमें जहाँ जाना है वहाँ चलते हैं, बद्रीनाथ का रास्ता भी बहुत लंबा है। तो चलिए अब सीधा आपसे मिलते हैं बद्रीनाथ के, कहीं और अच्छी कोई लोकेशन दिखेगी तो वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए सीधा आप चलते हैं आगे। तो भाई यहाँ से देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये देखिए कितना, मतलब ये पानी अलग ही हरा सा दिख रहा है, काफ़ी अलग सा पानी। और बाकी अभी हम चढ़ गए हैं इस वाले रास्ते पर, एक वो रास्ता थोड़ा कच्चा पुल, पर उससे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में काफ़ी। तो देखते हैं आते समय हम थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी खींचेंगे। और अभी चलते हैं बद्रीनाथ, और सुनने में आया कि बद्रीनाथ में इस टाइम अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रखी है, तो चलते हैं उसके बाद माना की तरफ भी जाएंगे। तो गाइस इस टाइम गौचर में लगा हुआ है मेला, कर्ण प्रयाग से पहले जो पड़ता है। तो देखिए ये रहा मेला, और झूले झाले भी लगे हुए हैं, वो रहा झूला। तो चलिए अब इन सबको स्किप करते हुए हमें आगे निकलना है। तो गाइस अब कर्ण प्रयाग बस थोड़ा सा आगे रह गया है, तो अभी हम यहाँ रुके थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, कमर कुमर बहुत दर्द कर रही है। और ये देखिए थोड़ा ठंड ठुंड का भी टाइम हो रहा है, और इस टाइम हो रहा है आपका, देखिए 3:30 हो गए हैं
तो अभी रास्ता बहुत लंबा है और अभी हम कहीं ज़्यादा दूर भी नहीं पहुँचे, तो देख सकते हैं जितने से जितने हो सके तेज हम गाड़ी चलाएंगे अब, और जितने से ज़्यादा जल्दी हो सके हम रास्ता कवर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा आगे। तो गाइस एक बार आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है। नीचे एक नदी बह रही है और दो पुल हैं लोहे के, क्या मस्त लग रहे हैं। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा नहीं कर पा रहा होगा, पर व्यू एक नंबर आ रहा है इस टाइम यहाँ से। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही अल्टीमेट है। और ऊपर आप पहाड़ देख सकते हैं, और इस टाइम रास्ता काफ़ी छोटा है यहाँ का, और मेरे को इस जगह का भी नाम नहीं पता। अच्छा तो गाइज हम पहुँच चुके हैं चमोली। हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं गाइड, उन्होंने हमें बताया कि ये चमोली है। बाकी आप बद्रीनाथ देख सकते हैं, यहाँ से 94 किलोमीटर है, और यहाँ पर डाइवर्जन आएगा देख सकते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ का। गोपेश्वर 10 किलोमीटर, तो अभी भी बद्रीनाथ 94 है, तो मतलब अभी हमें काफ़ी दूर जाना है। तो चलिए गाइज आपसे मिलते हैं अब आगे, बाकी मैं आपको एक बार वो डाइवर्जन दिखा देता हूँ। तो ये है बद्रीनाथ, और ये जाता है आपका चोपटा और आपका केदारनाथ वाला रास्ता ये है। बाकी मिलते हैं आपसे आगे कुछ देर बाद। एक बार आप ये वाला व्यू भी देखिए, क्या मस्त व्यू है। दोनों तरफ अंधेरा और बीच में उस पहाड़ पे खाली धूप आ रही है, और क्या मस्त लग रहा है। और इस टाइम आपको टाइम भी बता देता हूँ क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 4:45, और यहाँ पर 4:45 पर अभी धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है। बाकी अब चलते हैं सीधा अपने रूट की तरफ, और दिखाएंगे आप सीधा आपको बद्रीनाथ का। गाइस मतलब ये वाला व्यू देखिए आप, ये पहाड़ पूरा झुका हुआ है और उसके बीच में रास्ता, मतलब ये वाला व्यू जो है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। अभी से अंधेरा होना अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। आपकी हालत देख सकते हैं, आपकी हालत हो रही है, देखो पूरे लाल पड़े हैं, काले पूरे सभी, धूल मिट्टी बहुत हो रही है, और रास्ते की हालत भी काफ़ी ख़राब है। काफ़ी जगह रास्ता टूटा हुआ है, काफ़ी जगह रास्ता गीला है। तो फाइनली पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ, तो हमने अभी रूम ले लिया है, और बाकी मैं आपको रूम दिखाता हूँ। हमें 3 बेड का सेट मिला है, और ये तो आते ही पड़ गया, ठंड में हालत ख़राब हो रही है। अभी हम नीचे जाएंगे और थोड़ा खाना खुना खाएंगे, तो मैं आपको रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ कैसा है इस टाइम। चलिए बाहर चलते हैं। तो ये रहा रूम, कुछ ऐसा है, ज़्यादा कमरे नहीं है, 4-5 कमरे। मैं बाहर दिखाता हूँ आपको बाहर का, और ये देखिए कुछ ऐसे पैक हो रखे हैं। बाकी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए बाहर बर्फ़ पड़ रखी है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और बद्रीनाथ है यहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर होगा, पैदल जाएंगे, और अभी हम खाना खाने भी जाएंगे बाहर। तो फिलहाल ये रूम है, तो चलिए अब सीधा चलते हैं रूम में, थोड़ा सा लेट में उसके बाद खाना खाने जाएंगे। और बाकी मैं लॉन्डे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या बकैती कर रहे हैं, सारे के सारे फ़ोन में लगे हुए, वो भी फ़ोन में, ये भी ये भी। तो गाइस बैठ गए अब हम खाना खाने के लिए, ये तीनों के तीनों, और ये रही थाली। अब खाना खाने के बाद जाएंगे रूम में फिर लेटे। तो गाइस इस टाइम अब जब हम रूम में आए थे और उसके बाद अभी हम लेटे, तो बिस्तर तो ऐसा हो रहा है जैसे किसी ने गीला कर रखा है, इतनी ठंड पड़ रही है हदी। ये देखिए एक कंबल और ये दूसरा कंबल, 2 कंबल लेके आ रखे हैं, 2 कंबल लेके आ रखे हैं, और ये हम कंबल घर से लेके आए थे। देखिए ये तक बिछाने पड़ गए हमें, इतनी है, एक कंबल ये रहा और एक कंबल ये रहा, 2 कंबल बिछा रखे हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये एंड करते हैं, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको कल सुबह देखने को मिलेगा, जो होगा बद्रीनाथ मंदिर में। तो अब क्या शुरुआत,
तो अब हम जाएंगे मंदिर और वहाँ पे दर्शन करेंगे, उससे पहले नहाएंगे। तो लाइट रात से नहीं थी, अभी आई है, तो अभी हम उठे हैं और अब थोड़ा लेटेंगे। फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह सब चार्ज पे लगा दिए इस टाइम, क्योंकि लाइट नहीं थी। देखिए एक कैमरा ये पड़ा है, एक कैमरा ये पड़ा है, ये सब रात को ठंड की वजह से डेड पड़ गया। एक कैमरा ये है, यहाँ तक कि फ़ोन फाड़ हुई, देखिए बैग की क्या हालत हो रखी है, और बाकी ये सारा सामान, और यहाँ पे दो बेड थे। तो अब बाहर चलते हैं, आपको बाहर का भी दिखाते हैं, बाहर का भी बहुत प्यारा और रखा है। तो चलिए अब सीधा बाहर चलते हैं। तो गाइस नहा धो के अब हम चल रही है मंदिर की तरफ। ये रहे सारे के सारे, वही दिखाना बाकी है, और अब हम आपको आगे का सीन दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर, इधर है, इधर बर्फ कर दीजिए। तो ये रहा मंदिर का रास्ता, पैदल जा रहे हैं, और ऊपर बर्फ देखिए कितनी भयंकर बर्फ पड़ी है, और धूप भी बढ़िया आ गई है, और टाइम हो रहा है इस टाइम 10 बजे। हम नहा धो के बाहर जा रहे हैं, मतलब लेट तो हम काफ़ी हो गए। तो गाइस अब चल पड़े हैं हम मंदिर के दर्शन करने के लिए, और ये यहाँ की मार्केट है, तो शायद कल कपाट बंद हो जाएंगे ना। हाँ तो 19 तारीख को कपाट बंद हो जाएंगे, तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, बाकी अभी मंदिर जाके देखते हैं। वैसे तो काफ़ी भीड़ है अभी, और ऊपर मैं आपको पहाड़ पर बर्फ़ दिखाता हूँ, ये देखिए क्या बर्फ़ पड़ रखी है, भयंकर ही बर्फ़ है। वो देखिए क्या लग रहा है वो पहाड़। चलते हैं हम धीरे धीरे आगे। तो गाइस चल पड़े हम नहा धो के अभी, और मैं ऐसे करूँगा तो मेरा फेस नहीं दिखेगा पीछे, क्योंकि सूरज है। Hello. बाकी ये है, और एक ये है, तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, और पीछे एक तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत हो गई हमारे बद्रीनाथ के रास्ते की। यहाँ जय बद्री विशाल। हाँ तो गाइस देखिए इस साइड से लाइट से जा रही, पर सूरज बहुत तेज पड़ रहा है आँखों पर। तो अभी तो देखिए गाइस क्या व्यू हो रखा है बढ़िया वाला। अभी तो जा रहे हैं बस धीरे धीरे पैदल। तो गाइस बस पहुंचने वाले हैं मंदिर में, भीड़ बहुत ज्यादा है इस टाइम। तो गाइस देख सकते हैं वो रहा बद्रीनाथ मंदिर, और भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। तो अभी पता नहीं कितनी देर बाद हमारा नंबर आएगा। गाइस चल पड़े हैं अब हम मंदिर की ओर, भीड़ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, और पहुंच ही गए नीचे। तो गाइस अभी हमने कुंड में भी नहाना है, शायद वहां पर है वो कुंड। बस चल पड़े हम कुंड की तरफ नहाने के लिए। तो गाइस ये रहा वो कुंड जहाँ नहाना है, गर्म पानी आता है यहाँ पे चाहे कितनी सर्दी क्यों ना हो। चलिए गाइस सब चेंज करते हैं और नहाते हैं थोड़ा, देखिए कैसे भाप सी आ रही है। तप्त कुंड है, इसमें मैं नहाया नहीं, और बाकी ये दो नहा लिए, मैंने सर पे छींटे मार लिए थे क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई, इस वजह से जींस उतारने और पहनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जूते जाते उतारते हैं, और ये रहा प्रसाद। तो चलिए अब सीधा चलते हैं आगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम मंदिर में, ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस समय। तो अब जूते जाते उतारने का देखते हैं कहाँ उतारते हैं, यहाँ जूते उतारेंगे फिर चलते हैं ऊपर प्रसाद चढ़ाने। कितनी भीड़ हो रही है, कितनी हद ही, और हम लग गए लाइन में। तो देखिए
तो गाइस प्रसाद वगैरह तो हमने चढ़ा दिया और उस टाइम देख सकते हैं भीड़ कितनी हो रही है मंदिर में, बहुत ज़्यादा भीड़। तो चलिए अब अपने दोस्तों का वेट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं माणा की तरफ। पैर भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। तो गाइस प्रसाद प्रसाद चढ़ा दिया, अब जा रहे हैं हम माणा की तरफ। पहले तो अभी रूम में जाएंगे, रूम में थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे या थोड़ा बहुत खाएंगे खुएंगे, उसके बाद माणा की तरफ जाएंगे। तो सीधा आपसे मिलेंगे हम मोटर ब्लॉगिंग में। अभी हालत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि काफ़ी चल के गए और काफ़ी चल के आए। वैसे तो जाने को गाड़ी भी जा सकती थी पर हम सोच रहे पैदल ही चले जाएँ। तो गाइज़ ये है रात का व्यू बद्रीनाथ का, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है।